गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मैं सौरभ चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज की गुड मॉर्निंग जरा लेट हो रही है 11 बजे, क्योंकि सुबह ब्लॉग डालना था। 10 बजे मैंने ब्लॉग पब्लिश किया अपना, क्योंकि कल आपको पता ही ठहरा बारात थी और बारात में बहुत मज़ा आया। तो बारात में कल इंजॉय बहुत किया, पहाड़ी डांस किया और डांस वाला पूरा ब्लॉग डाल रखा है यहाँ से वहाँ दुल्हन के घर तक, तो पूरा ब्लॉग डाल रखा है। तो एक बार विज़िट करो चैनल पर और देखिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दीजिए हमारे YouTube फैमिली में। 1000 फैमिली हो जाएगी हमारी YouTube फैमिली में, तो फर्स्ट क्लास से 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, तो फिर अलग ही मज़ा आएगा। और देखते हैं फिर 1000 सब्सक्राइबर में क्या क्या करते हैं हम। तो आज मैं आप सभी लोगों को एक अलग इंसान से मिलाने वाला हूँ। तो कल इनका बसंत पंचमी के दिन बाल उतारे गए हैं, जो कि ढाई साल बाद उतारे जाते हैं छोटे बच्चों के। और बसंत पंचमी के दिन अच्छा मुहूर्त होता है और अच्छा दिन भी होता है, तो इसलिए कल इस भाई के बिल्कुल खोपड़ी एकदम टकली कर रखी है, तो बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं। इधर को देख दे, हाई बोल दे, मज़ा आ रहा है आप सभी को? तो आप भाई, आपको मज़ा आ रहा है? बता, काना भाई हो गए हैं टकले। दिदिन धा त्रिदिन धा होय, चांदी बटना दजियो कुर्ती कॉलर मा कर। ना फिर इनके बालों को आराम से रखा जाता है बक्से में, तो फिर इनके बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब फर्स्ट बाल उतारते हैं तो इन बालों को रखा जाता है, ये एक रिवाज है, खासकर उत्तराखंड में करते हैं ऐसे बसंत पंचमी के दिन। जो भी बच्चे अगर 2.5 साल तक हो जाते हैं तो उनके बाल उसी दिन उतारते हैं और शुभ दिन भी माना जाता है सबसे। तो हमारे खाने भाई तो हो गए टकला, अब हम वीडियो कैसे बनाएंगे? अब तो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल होगी ना, वीडियो वायरल होगी ना। कन्नू तो वायरल होगा, इसी कर दे, इसी कर। ये और इसी के साथ आज के मौसम का भी अपडेट देते हैं पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों से। मौसम देखिए, धूप आ रखी है फर्स्ट क्लास वाली, और टन टन आटन हमारे घरों पे भी फर्स्ट क्लास वाली धूप आ गई है। और ये भाई तो बिल्कुल मस्त मगन हो गए, इनकी खोपड़िया में आजकल ठंडी ठंडी लग रही होगी, कल इनका बाल उतारे गए थे। और सामने के खेतों में भी फर्स्ट क्लास धूप आ रखी है नीचे साइड पूरी, ये देखिए। दिनों बाद गोगो को भी हमने अपने वीडियो में ला रखे हैं हम। तो ये है और ये हो गया है इतना बड़ा। आगो आजा आजा, एक बार उसको ले चलते, आजा आ, 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 आ। तो ये देखिए हमारा गुस्सेदार गोगो, आया आया चले गया वो। तो ये भी बहुत बड़ा हो गया है, नीचे चले गया। ओए यहाँ है ना, ओए ते टकला में कोई छिटाओ टट पहाड़ चल ले। ओए ए बलिया, उसको मैं आ गया हूँ खेत में और इस पट्टी के चक्कर में मेरे को यहाँ इतनी दूर आना पड़ा है, चले। और हमारी मम्मी जा रही है बकरी का ग्वाला, तो इसको थोड़ा वहाँ तक लगाना, क्योंकि यहाँ आ गई थी खेतों में हमारे, जो कि अगर एक खेतों में जाएगी तो पता ही ठहरा गाँव में कैसी कैसी फिर गालियाँ पड़ती हैं। किसी के खेत में अगर हमारी बकरियाँ चली गई तो आप सभी को पता ही ठहरा कितना सुनाते हैं। तो अभी ये खेतों में फर्स्ट क्लास चलेगी और मैं चल रहा, तो फर्स्ट क्लास मैं यहाँ से अपना गाँव का व्यू दिखाता हूँ आप सभी लोगों को, यहाँ से कैसा दिखता है हमारे गाँव का व्यू। रोज़ मैं हमेशा ऊपर से दिखाता हूँ, लेकिन आज अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ये सामने है मेरा पूरा गांव, ये देखिए वो बहुत नीचे तक है, वो भी तो वो नीचे जा बहुत नीचे अभी। तो ऐसा कुछ मौसम है, देखिए सामने ऊपर साइड को ये पूरा गांव हमारा ही है, वो स्कूल ठहरा, और ये पूरा गांव देखिए, ये सूरज भाई का घर, और यहाँ से मेरा गाँव स्टार्ट होता है।
और ये इधर हमारा गांव घर है और सीधे सीधे इधर से नीचे को है। तो अभी मैं इधर था इसलिए मैंने दिखा दिया आप सभी लोगों को, क्योंकि मेरी बकरियां यहां आ गई थी। तो आजकल बकरियां जो है हमारी यहां नीचे खेतों में ही चल रही है, वैसे जंगल में खतरा है। वैसे अगर बहुत जने जाते हैं तो बकरियां ले जाना सही है, अगर दो तीन जने जाते हैं तो बहुत खतरा है जंगलों में जाना, क्योंकि वहाँ बाघ का डर तो बहुत है फिलहाल। तो अभी इसलिए बकरियाँ यहीं हमारे खेतों में चराई जा रही है, मम्मी हमारी यहीं चरा रही है। और इन खेतों को देखकर आज बचपन के दिन भी याद आ गए। जो पेड़ दिख रहे हैं अभी तक ये पेड़ ऐसे ही है, जो ये पेड़ है इसमें हम खेला करते थे और इन्हीं खेतों में हम जो बच्चे खेल लेते इसमें क्रिकेट, तो यहीं हम क्रिकेट खेलते थे। और नीचे जो नौला है ना, ये नौला नहीं है, पहले ये नौला नहीं था, ये हाल ही में बन रखा है। यहाँ से हम पानी लेते थे और फील्ड में डालते थे, नीचे वही बगल में फील्ड बनाते थे। तो यहाँ बहुत खेल करा है हमने यहाँ पानी के साथ, और यहाँ क्रिकेट भी बहुत खेला है। और नीचे और टंकी है, वहाँ भी बहुत नहाया है। बदनी गेर, कटनी गेर, ये फेमस था हमारे गाँव का, तो ऐसा कुछ था फिर हमारे। और अब तो बड़े हो गए, अब तो सीधे नदी जाते हैं नहाने के लिए। वैसे आजकल नदी भी सूख गई है पहाड़ों में, जैसे जैसे मतलब टाइम चलते जा रहा है, साल बदलते जा रहा है, तो वैसे वैसे खेतों में और हमारे नदियों में पानी बहुत कम होते जा रहा है, बहुत कम मात्रा में। पहले हमारे जो खेत थे इन खेतों में रुपाई होती थी, नीचे वाले खेतों में रुपाई होती थी, लेकिन पानी ना होने के चक्कर में और सूअरों का ज़्यादा आतंक होने के चक्कर में रुपाई भी नहीं हो पा रही है, और गांव वाले कुछ कर भी नहीं रहे और सारे खेत बंजर छोड़ दिए हैं। तो पहले बहुत अच्छी तरीके से रुपाई होती थी और पानी की मात्रा भी हमारे इन खेतों के गधेरों में बहुत ज़्यादा थी, बहुत मतलब पानी आता था। और जो टंकियाँ बना रखी है, लगा लो, इसलिए बना रखी है क्योंकि इनमें पानी रहता था और फुल्ली ये टंकियाँ सालों साल बारह मास भरी रहती थी, गर्मी हो चाहे सर्दी हो पानी आते रहता था। तो आप सभी को पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग तो इसमें मिलता ही है, तो पहाड़ी होने के नाते थोड़ा बहुत आज घर से दूर जरा और इन खेतों में, इन सीढ़ीदार खेतों में, और खेतों सीढ़ीदार खेतों को भी हमारे मोटे मोटे गधेरे ने तबाह कर दिया है। देखिए इतना बड़े खेत के बीच में इतना बड़ा गैप हो गया, गड्ढा हो गया है, और देखिए इतना बड़ा रोला पड़ गया है, मतलब रोला कहते हैं पहाड़ों में इसमें। तो देखिए ऐसे खेत ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे खेत ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा बारिश होने के चक्कर में। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का है नौला हमारा, तो यहाँ तो कोई आता नहीं है उतना, लेकिन जैसा भी है ऐसा पानी है। और वैसे गाय बच्चों के लिए पीने के लिए बना रखा है, तो कभी ज़रूरत पड़ गई तो आ जाते हैं यहाँ। जैसे कि ऊपर धारे में कहीं से अगर नल का कनेक्शन टूट गया, ऊपर हमारे घरों में पानी नहीं आने लग गया, तो ये पानी सबसे बेटर रहता है। और ये पानी कुछ इस प्रकार है, लेकिन अभी इस नौले की अच्छे से सफाई नहीं हो रखी, क्योंकि ये नौला गांव से थोड़ा दूर खेतों में पड़ता है, इसलिए इस नौले की इतनी प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हो रखी है। तो कुछ इस प्रकार का था फिर ये नौला, नमकीन वाला पानी आता है जहाँ, ये देखिए। तो ये सामने जो खेत है यहाँ हम क्रिकेट खेलते थे और यहीं से ही पानी ले जाते थे और इस फील्ड में डालते थे, और जो यहाँ अभी के टाइम में हो रखा है ना, तो यहीं हम खेलते थे बड़ी से एक गड्ढा बना के, और यहीं हम खेलते थे पानी से। तो कुछ ऐसे हैं हमारे खेत और ये नौले। और वैसे इस नौले में भी बारह मास पानी रहता है, और तभी इसलिए इसको बनाया गया था। वैसे गाय बच्चों के लिए सबसे बेटर है, गाय बच्चे यहाँ से पानी पीते हैं। वैसे हम लोग तो नहीं आते हैं यहाँ, क्योंकि हमारा नौला आपको बता ही दिया है, पुराने वाले ब्लॉग में देखना, उस नौले में भी बारह मास पानी आता है, और बहुत गर्मियों के दिनों में खासकर बहुत ठंडा पानी आता है। और वैसे भी ठंडा पानी तो इसमें भी रहता है, नौलों में अक्सर मीठा और ठंडा पानी हमेशा रहता है, लेकिन जो ये वाला नौला है ना, इसमें तुम्हारा होता है नमकीन वाला पानी। तो लगा लो इस नौले में ऐसी क्या खासियत होगी जो यहाँ एकदम खारा पानी निकलता है समुद्र की तरह, मतलब पीने में ज़रा अटपटा टाइप का होता है और बहुत बेकार होता है। मतलब नमकीन पानी आपको पता ही है, जिन लोगों को हम पहाड़ियों को अगर पहाड़ों का ठंडा पानी मीठा पानी पीने की आदत हो, वो कैसे पी सकता है ऐसे नमकीन पानी को। तो एकमात्र ऐसा नौला है ये जहाँ नमकीन वाला पानी आता है,
तो कुछ अलग ही रास्ता है इस नॉलेज की भी, पूछना पड़ेगा किसी से इसमें नमकीन वाला पानी क्यों आता है। आप सभी लोगों को पता ही ठहरा कि मैं पहाड़ी ब्लॉग डालता हूँ, मतलब जो भी होता है दिन की एक्टिविटीज़ के हिसाब से जितना भी मेरे से हो सकता है मैं वैसे आप सभी को लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाता हूँ, जो भी जितना भी बन पाता है छोटा मोटा ब्लॉग। तो प्लीज़ इसमें ही अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाइए, कल को एक बड़ी फैमिली होगी तो हम बहुत जगह आप सभी को नई नई जगह आपको ले जाएंगे। मेरे जो ब्लॉग है वो अभी गांव के, अभी मेरे हिसाब से ब्लॉग आते हैं, मेरे डेली कंटेंट के हिसाब से ब्लॉग आते हैं, जैसे मेरे साथ होता है और जैसे मैं बोल पाता हूँ और जैसे मैं दिखा पाता हूँ, और जो भी नई नई चीज़ें होती रहेंगी उसमें सुधार करते रहूँगा। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये गाँव का ही ब्लॉग डालता है, लेकिन हमारा जब घूमने का प्लान बनता है तो मैं आप सभी को उसके भी ब्लॉग दिखाता हूँ और डालता हूँ। लेकिन कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि आपको ट्रैवलिंग व्लॉग भी मिलेंगे हमारे इस YouTube चैनल पे, पहाड़ी 01 व्लॉग्स। इस चैनल पे हमने 100,000 सब्सक्राइबर करने हैं तो करने हैं, भले ही अभी हमारी जो सब्सक्राइबरों की रीच है वो बहुत धीरे चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम सबका आता है और फैमिली सबकी बनती है अगर कोई मेहनत करता है तो एक बार अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाइए और एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाइए, फिर हम इस YouTube चैनल पर दिखाते हैं कि आगे आगे हम क्या क्या कर सकते हैं इस YouTube चैनल पर। तो अभी चलते हैं खड़ी चढ़ाई में जो कि बहुत ऊपर है, और अभी ऐसी चढ़ाई में आ गए, यहाँ भी हमने क्रिकेट खेल रखा है। ओह रे, देखो अभी के टाइम में ना मौसम देखो कितनी धूप, ऐसा लग रहा है कि गर्मियों के दिन है।